स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले लैडर ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इसकी बेसिक जो हमारी कम्यूटेटर रिलेशन से आती है, अगर आप लोगों ने कम्यूटेटर्स के बारे में पढ़ रखा तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज यार सजेस्टेड में जाकर चेक करो कम्यूटेटर रिलेशन क्या होते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है लैडर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो टॉपिक को लिख के स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो लैडर ऑपरेटर्स को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लिए क्या होता है, लैडर ऑपरेटर्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों एन ऑपरेटर विच इंक्रीज और decrease the eigen values of an operator, ठीक है, this is called ladder operator, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया कि ladder operator एक्चुअली में होता क्या है। तो एक ऐसा operator, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास operator है जिसपे अगर उसको apply करते हैं, ठीक है, तो उसकी eigen values को डिक्रीज और इंक्रीज करता है, तो उसको लैडर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लैडर ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैडर ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज एल प्लस एंड द सेकेंड वन इज एल माइनस, ठीक है। तो इनका एक रिलेशन होता है, वो हमारा होता है एल एक्स और एल वाई में, एल एक्स प्लस आई एल वाई एंड एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आई एल वाई, ठीक है। तो इनका ये जो दो पार्ट है, इनका एक दो रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम कुछ इनकी कम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं। दोस्तों हम पहले रिलेशन फाइंड करते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड विथ हमारे लैडर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पहला कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड विथ, पहले एल प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम्यूटेशन रिलेशन बोल रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एल जेड और एल प्लस, ठीक है। इसके बाद इस कम्यूटेशन रिलेशन पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं। एल प्लस की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एल जेड एल एक्स प्लस आई एल वाई, ठीक है। तो दोस्तों कम्यूटेटर रिलेशंस की जो प्रॉपर्टीज थी, आप लोग ऑलरेडी मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूं। पहले यहां पे प्रॉपर्टीज क्या लग सकती है, वो है हमारी, सपोज हमारे पास, ठीक है, ए और बी प्लस सी का फॉर्म है, ठीक है, ए कॉमा बी प्लस सी। तो इसका कम्यूटेटर रिलेशन क्या हो सकता है, ए बी, ठीक है, प्लस ए सी, ओके। और इसको हम ये अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे आई है, ठीक है। तो और जब अच्छे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को, तो हमारा यहाँ पे आई कॉमन है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल जेड एल एक्स प्लस आई एल जेड एल वाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, प्रॉपर्टी जो हमारी कम्यूटेटर रिलेशन की, ठीक दोस्तों। उसके बाद यहां से देख सकते हैं कि हमारा कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जो हम कम्यूटेटर रिलेशन में एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन था, एल जेड एल वाई एल एस जितने भी कम्यूटेटर रिलेशन थे, इन सब की मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दी थी। तो क्या क्या रिलेशन होते हैं, सपोज हमारे पास जब एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर रिलेशन आता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई इच क्रॉस एल जेड एल वाई एल जेड का कम्यूटेटर रिलेशन आता है, तो हमारे पास आई एच क्रॉस वाई जेड, तो यहां पे एल एक्स, ठीक है। उसके बाद एल जेड तो जेड एल एक्स, ठीक है, तो यहां पे हमारा आई एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। यहां पे एक और डिफरेंस हो सकता है, सपोज ये हमारे सारे, सपोज हमारा एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है, तो ये हमारे सब साइक्लिक चल रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई तो जेड
वाई जेड तो एक्स, ठीक है, और जेड एक्स तो वाई फिर से, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्लॉक वाइज है, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज चलता हूं तो सारी वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों, सपोज हमारे पास तो अभी एल जेड और एल एक्स है, ठीक है। तो हम यहां पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, आई एल जेड और एल एक्स, आई एच क्रॉस एल वाई, ठीक है, प्लस आई कॉमन ऑलरेडी है। लेकिन यहां पे एल जेड और एल वाई क्या हो सकता है, हमारे पास पता है एल वाई एल जेड की वैल्यू आई एच क्रॉस एल एक्स थी, लेकिन जब इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हमारे यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आई एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एच क्रॉस एल वाई और आई 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 स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास माइनस है आगे इसके साथ, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, माइनस वन, और ऑलरेडी यहां पे माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं अपना एच क्रॉस, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, आई एल वाई प्लस एल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, एल प्लस की, ठीक है। तो एच क्रॉस एल प्लस, तो अगर हम एल जेड और एल प्लस की वैल्यू फाइंड करते तो हमारे पास वैल्यू आती है एच क्रॉस एल प्लस, ठीक है। उसके बाद एल माइनस के वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी देखते हैं कि एल जेड और एल माइनस का कम्यूटेटिव रिलेशन फाइंड करते हैं तो क्या हो सकता है, एल जेड एल माइनस, ठीक है। तो पहले एल माइनस की वैल्यू पुट करनी है हमें, एल जेड एल एक्स माइनस आई एल वाई, ठीक है। आप लोगों को वही प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करनी है, और उसके बाद फिर से अगर इसको अच्छे सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास वही माइनस आई फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, जैसे प्लस आई पहले वाले में कॉमन आया था। इसमें कोई ज्यादा अपना ट्रिक कोई लगाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से अगर कंप्यूटर रिलेशन पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए कंप्यूटर रिलेशन पे जो मैंने अपलोड करी है, ठीक है, उसको हम देख ले। तो इसको क्या हो जाएगा फिर से, एल जेड एल एक्स, ठीक है, माइनस आई एल जेड एल वाई, ओके। तो ऑलरेडी मैंने बताया दोस्तों यहां पे जब प्लस आई था तो यहां पे प्लस आई था, ठीक है, और यहां पे माइनस आई है तो यहां पे माइनस आई आ चुका है, ठीक है। कोई ज्यादा कंफ्यूजन का कोई टर्म नहीं है, और अगर डायरेक्टली बिना समझे भी उसमें जाए बिना भी अगर करना चाहे तो आप लोगों को यहां पे जो कॉमन दिख रहा है, प्लस आई तो प्लस आई और माइनस आई तो माइनस आई, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगी आप लोगों। उसके बाद फिर से अपना साइक्लिक वाला रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू दोस्तों, एल जेड और एल एक्स क्या वैल्यू थी, आप लोग फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूं, एल जेड और एल एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। और एल जेड और एल वाई की जैसे ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है, एल जेड और एल वाई अगर जाते हैं तो ये माइनस आई एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों, आई एच क्रॉस एल वाई माइनस आई ऑलरेडी और हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस एल वाई हमारे पास माइनस ये पहले से था तो माइनस माइनस प्लस और ये आई स्क्वायर तो माइनस वन, ठीक है। तो माइनस एच क्रॉस Alex, ठीक है। तो यहां से माइनस अगर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, तो माइनस एच क्रॉस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, तो आई एल वाई आगे माइनस प्लस एलेक्स, ठीक है। तो माइनस एच क्रॉस और हमारे पास ये रीअरेंज कर दे दोस्तों, तो क्या हो सकता है, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है एल माइनस की, तो माइनस एच क्रॉस एल माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो सकता है, अगर एल जेड और एल प्लस की वैल्यू जो मैंने वैल्यू निकाली थी तो यहां पे भी प्लस और यहां पे भी प्लस, ठीक है। लेकिन अगर एल माइनस वाला जैसे टर्म आया था हमारे पास तो उसका यहां पे भी माइनस और यहां पे माइनस तो है, ठीक। तो इसको अगर एक में अगर कंबाइन करते तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज एल जेड एल प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका कम्यूटेटर रिलेशन क्या हो सकता है, तो प्लस माइनस एच क्रॉस एल प्लस माइनस, ठीक है। तो सपोज अगर प्लस वाले के लेके चलते हैं तो यहां पे प्लस यहां पे प्लस, ठीक है। अगर माइनस वाले लेके चलते हैं तो माइनस माइनस, ठीक। तो आप लोगों को बहुत ही इजीली कंबाइन करके समझ में आ जाएगा। तो
दोस्तों ये हमारा लैडर ऑपरेटर का रिलेशन एल जेड के साथ, ठीक है। अब इनका चाहे तो हम म्यूचुअली रिलेशन भी देख सकते हैं, कम्यूटेटर रिलेशन, ठीक है। तो एल प्लस और एल माइनस का कम्यूटेटर रिलेशन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। एल प्लस और एल माइनस का कम्यूटेटर रिलेशन म्यूचुअली चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एल प्लस एल माइनस, ठीक है। तो एल प्लस और एल माइनस वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे हमारी एल एक्स प्लस आई एल वाई, ओके, एल एक्स माइनस आई एल वाई, ओके। उसके बाद दोस्तों अपना कम्यूटेटर रिलेशन की प्रॉपर्टीज बारी बारी से अप्लाई करनी है, ठीक है। सपोज पहले हमारा जो इक्वेशन था, प्रॉपर्टी थी हमारे पास, सपोज ए प्लस बी सी, ऐसे करके अगर प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ठीक है, तो वो कैसे हो जा रही थी, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर देख के चले, सपोज ये ए प्लस बी है और इसको पूरा टोटली हम सी मान के चलते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, सपोज, ठीक है, हम अप्लाई करते हैं एल एक्स, ठीक है, और एल एक्स माइनस आई एल वाई, ओके, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता है जब इसको सपोज करेंगे तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस आई, उसके बाद एल वाई इज इक्वल कॉमा एल एक्स माइनस आई एल वाई, ठीक है। उसके बाद फिर से अपनी प्रॉपर्टी जी वाली अप्लाई कर देनी है, ए बी प्लस सी वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको हम फिर से अप्लाई कर लेते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल एक्स एल एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे पास ये माइनस आई कॉमन हो जाएगा, आप लोगों को तभी से बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो माइनस आई एल एक्स एल वाई, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है दोस्तों, आप लोगों को याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर्टीज ये। फिर से यही सेम टू सेम चीज यहां पे भी, प्लस आई तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हम अगर अप्लाई करते हैं यहां पर कॉम्पिटेटर रिलेशन का फॉर्मूला एल वाई एल एक्स, ठीक है, और फिर से वही माइनस आई हमारे कॉमन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस आई उसके बाद एल वाई एल वाई और जी, ठीक है, ये प्लस आई इन दोनों ब्रैकेट का कॉमन है, ठीक है। तो यहां से फिर अब अगर अप्लाई करते हैं अपनी वैल्यूज को, तो देखते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास कम्यूटेटर रिलेशन में सेम टू सेम फंक्शन या फिर ऑपरेटर आ जाते हैं तो उसका कम्यूटेटर रिलेशन जीरो होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सेम टू सेम चीजें कहां पर दिख रही है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और एक जी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू हो सकती है दोस्तों, तो हमारी है माइनस आई, उसके बाद एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड हमने किया, तो वो क्या था, आई एच क्रॉस एल जेड, ओके, ये हमारा ऐसे हम कर देते हैं इसको, फिर से प्लस आई और नेक्स्ट एल वाई एल एक्स एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं, तो हमारा यहां पर क्या वैल्यू हो सकता है, माइनस आई एच क्रॉस एल जेड, आई इंटू आई आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस हमारे पास ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एच क्रॉस एल जेड और सेम टू सेम यही चीज यहां पर भी, आई इंटू आई आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस वन इंटू माइनस वन ऑलरेडी जो है उसके साथ, तो हमारा प्लस एच क्रॉस एल जेड, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा दोस्तों टू एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। तो म्यूचुअली जो कम्यूटेटर रिलेशन हो रहा है हमारा लैडर ऑपरेटर्स का एल प्लस और एल माइनस का इज इक्वल टू टू एच क्रॉस एल जेड, आप लोग जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे आप लोग ये देखने को मिला होगा लैडर ऑपरेटर्स एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आई हो, और थोड़ा सा भी डाउट होता है यार जो प्रॉपर्टीज मैंने पुट करी है, आप लोग मेरी प्रॉपर्टी जाकर कम्यूटेटर रिलेशन की पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है, वहां पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज यार बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।